हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज हमें टाइप 4 स्टार्ट करना है, तो बिना विलंब किए हुए चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, अ मिल्क मैन मिक्स वाटर विथ मिल्क एंड सेल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर टू बी मिक्स विथ ईच लीटर ऑफ मिल्क टू गेट 25% प्रॉफिट, ये पूछ रहा है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारा जो मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, उसको उसी प्राइस से बेचता है जिस प्राइस पे वो दूध को ख़रीदता है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि हमारा जो सीपी है दूध का, मिल्क का, वो हम एक्स लेट कर ले रहे हैं कि एक्स रुपीज़ पर लीटर है। ठीक, तो हमारा जो एसपी होगा मिक्सचर का, वो भी हमारा एक्स रुपीज़ होगा, क्योंकि ये साफ साफ बोला गया है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर, कि सेल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, मतलब जिस प्राइस पे वो दूध को खरीदता है उसी प्राइस पे वो मिक्सचर को बेचता है। तो ये हमारा दोनों चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर टू बी मिक्स विथ ईच लीटर ऑफ द मिल्क टू गेट 25% प्रॉफिट। ये बोल रहा है कि एक लीटर मिल्क में वो कितना पानी मिलाएगा कि जो मिक्सचर तैयार होगा, एक लीटर तो रहेगा ही, एक लीटर से ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि पानी भी मिलाया गया, जो वो मिक्सचर होगा उसको बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो, अगर इस रेट पर बेच रहा है तो। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले, सबसे पहले तो हमें ये जो मिक्सचर है उसमें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें एक लीटर तो मिल्क होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बताया गया है कि एक लीटर में कितना पानी मिला है। तो हम ले लेते हैं कि हमें एक लीटर मिल्क ही है, उसमें जो पानी मिला है उसको लेट कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि वाई लीटर पानी मिला गया है। ठीक, समझिए बात को, कि हमने एक मिक्सचर ले लिया जिसमें एक लीटर हमारा मिल्क है, एक वाई लीटर पानी है, इनको मिला के एक मिक्सचर बना है, दैट मीन्स ये प्लस कर दिए तो ये हमारा मिक्सचर हो गया, एक मिक्सचर बना है। ठीक, अब इसको क्या कहते हैं, बेचेगा इसी रेट पे, क्योंकि एसपी पहले ही बता दिया कि मिक्सचर को उसी प्राइस पे बेचता है जिस प्राइस पे दूध खरीदता है। तो इसका एसपी हम आसानी से निकाल लेंगे, चलिए निकाल भी लेते हैं। तो एसपी ये जो मिक्सचर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स, क्योंकि ये है हमारा। अब हाँ, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे तो हमें एसपी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एसपी क्यों निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड, ये जो एसपी आया, ये रेट आया, दैट मीन्स यहाँ पे हम इसको पर लीटर कर देंगे, ये भी पर लीटर, ये रेट है। आप कभी भी सोचिए कि हम एक किलो भिंडी ले रहे हैं, या कोई भी सब्जी लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो एक किलो भिंडी ले रहे हैं तो वो एक किलो का रेट रहता है ना, आप जितना किलो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आपका कॉस्ट प्राइस होता है, दुकानदार का एसपी होगा लेकिन आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस होगा ना, उतना आपका कॉस्ट प्राइस होता है। इसी प्रकार यहाँ पे ये जो है हमारा रेट है, जैसे ये सेल करता है मिक्सचर एट द प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, तो वो रेट है होगा जो आएगा, वो रेट है, जैसे हमने एक्स लिया तो ये रेट है, और जब हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया तो प्रॉफिट परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो हमें टोटल सीपी और टोटल एसपी पता होना चाहिए, रेट से हम नहीं निकाल पा सकते हैं क्या कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ पे टोटल एसपी निकालेंगे। तो ये जो टोटल एसपी हो जाएगा रेट इनटू जितना मिक्सचर रहेगा, वही हो जाएगा, तो यहाँ पे रेट हो गया इनटू जितना मिक्सचर वो हमने लिख दिया, तो ये हमारा टोटल एसपी हो गया, ये लिख देते हैं टोटल। ठीक, अब इसी तरह टोटल सीपी भी निकालना होगा। अब देखिए मिक्सचर में हमारा एक लीटर दूध है और वाई लीटर वाटर, अब हम जानते हैं कि वाटर का सीपी जो होता है वो 0 रुपीज़ पर लीटर होता है, इसका मतलब हमारा खर्चा जो होगा सब दूध खरीदने में होगा, तो जो दूध का जितना प्राइस होगा उतना ही क्या कहते हैं हमारा सीपी होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो टोटल सीपी हो जाएगा, टोटल सीपी ऑफ द मिक्सचर वो हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि एक लीटर दूध खरीदा है, इनटू एक्स, एक्स रुपीज़ का दूध था, यहाँ पे देखिए हमने लेट किया है, तो 1x, वाई तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा वाई होता है उसका सीपी 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अकेले एक्स आएगा, 0 हो गया ना, तो एक्स जो आएगा हमारा टोटल सीपी आएगा, वाई हमारा नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा एक्स प्लस एक्स वाई, ये हमारा टोटल एसपी आएगा। अब देखिए हमें टोटल एसपी मिल गया, टोटल सीपी मिल गया, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना है एक्स प्लस वाई, नहीं एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स कर देंगे तो एक्स वाई बचेगा ना, तो दैट मीन्स एक्स वाई अपॉन में सीपी, सीपी ये एक्स है, तो ये एक्स इंटू 100, दिस इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है 25%, तो इसको हम इक्वल टू 25% लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x से x कट गया, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25/100, और ये हो जाएगा 1/4, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1/4, और हमारा y है क्या, जितना वाटर ऐड करेंगे एक लीटर मिल्क के साथ,
और हमें पूछा क्या गया है, यही तो पूछा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर टू बी मिक्स्ड विथ ईच लीटर ऑफ मिल्क, दैट मीन्स वही वाई पूछा गया जो हमने निकाला है, तो इसीलिए हमारा आंसर भी होगा 1/4, दैट मीन्स फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ना फ्रेंड, कोई डाउट नहीं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, थ्री बॉक्सेस ऑफ कैपेसिटी 24, 36 एंड 84 आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ थ्री वराइटीज ऑफ वीट ए बी सी रेस्पेक्टिवली, ऑल द थ्री बॉक्सेज वर इम्प्टीड एंड द थ्री टाइप ऑफ वीट वर मिक्स थोरोली एंड द मिक्सचर वॉज पुट बैक इन टू द थ्री बॉक्सेज, हाउ मेनी के जी ऑफ टाइप ए वीट वुड बी देयर इन द थर्ड बॉक्स। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट बॉक्स की कैपेसिटी 24 के जी है, सेकेंड बॉक्स की 36 के जी एंड थर्ड बॉक्स की 84 के जी हमारी कैपेसिटी है, ठीक। अब इनका बोल रहा है कि ये फुल भर दिए गए, कम्प्लीटली फिल कर दिए गए, तो मतलब ए में हमारा 24 के जी, बी में 36 एंड सी में 84 के जी भरा हुआ है, ठीक। जितनी कैपेसिटी उतना ही तो भरा है, उससे ज़्यादा भरा है का नहीं, तो इतना भरा हुआ है। अब क्या बोल रहा है, ऑल द थ्री बॉक्सेज वर इम्प्टीड एंड द थ्री टाइप ऑफ वीट वर थोरोली मिक्स्ड, मतलब इन सबको खाली कर देगा, मतलब एक को मान लीजिए हमारे पास बड़ा कंटेनर है, उसमें 24 के जी, 36 के जी और 34 के जी, 84 के जी तीनों को डाल के मिक्स कर दिया गया है अच्छे से, कि हम अलग नहीं कर सकते, सब एकदम मिक्स हो गया है। उसके बाद इन सबको द मिक्सचर वॉज पुट बैक इन द थ्री बॉक्स, मतलब मिक्स करने के बाद फिर से सबको वापस पुट कर दिया गया है अपनी अपनी जगह में, तो फिर से इसमें 24 के जी आएगा, इसमें 36 के जी आएगा और इसमें 84 के जी आएगा, और इतना टोटल इतना ही आएगा, फिर न इससे ज़्यादा होगा न इससे कम होगा, क्यों, क्योंकि इतना ही लिया गया था, तो टोटल इसमें इसका सम निकाल लेते हैं कितना होगा, 84, 96, 30, 120, 10, 144, हाँ तो दैट मीन्स 144 के जी हमारे पास वीट गेहूँ होगा, तो टोटल इतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा, ठीक है। तो 144 को अगर इसमें हम फिर से डिवाइड करने लगेंगे, इसकी कैपेसिटी इतना ही है, तो इसमें फिर से 24 ही आएगा, इसमें 36, इसमें 84, तो समझ में आया। कहने का मतलब है कि हमारा अभी भी ए वाले में इतना है, बस ये है कि इसमें टाइप ए का कंटेंट है कि नहीं, ये हम नहीं बता सकते, ठीक। तो शुरुआत में कितना था, टाइप ए का वीट था, इसमें टाइप बी का इतना वीट था, टाइप सी का इतना वीट था, लेकिन अब जो है मिक्सचर है, इसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है, तो भरा इतना ही है, ये हो गया। अब पूछ रहा है कि टाइप ए का वीट कितना होगा थर्ड बॉक्स, थर्ड बॉक्स कौन सा है हमारा, ये वाला है, और इसमें टाइप ए कितना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे, ये जो दिया हुआ इसका रेशियो, रेशियो निकालोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 कट जाएंगे ना, हाँ 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36 एंड 12 × 7 = 84, ये रेशियो आ गया। तो फ्रेंड हमारा रेशियो निकल गया। अब देखिए फ्रेंड, हमने पहले देखा हुआ है कि जब कभी भी हमें रेशियो गिवेन हो और हमें ये पता करना हो कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ कितना होगा उस रेशियो में, तो क्या करते थे, जो स्पेसिफिक चीज़ रहती थी, जैसे यहाँ पे ए है तो 2/ इनका सम कर देते थे रेशियो वाला, तो वही चीज़ यहाँ पे कर देंगे, 7 × 3 = 12, ये होगा। लेकिन ये जो आएगा ये तो रेशियो के फॉर्म में आएगा, ये एक फ्रैक्शन में रहेगा, इसके साथ एक वेरिएबल रहता है कि मतलब कितने के जी में हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या बोलोगे, थर्ड बॉक्स में, थर्ड बॉक्स में कितना के जी है, 84 के जी, तो यहाँ एक्स की जगह हम 84 लिखेंगे, तो डेट मीन्स 2/12 × 84 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है बस, डेट मीन्स इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 से कटेंगे 7 आएगा, 7 × 2 = 14, तो 14 के जी होगा हमारा टाइप ए का वेट थर्ड बॉक्स में, डेट मीन्स थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कुछ कन्फ्यूजन है, चलिए हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो कलर चेंज करते हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया, बोला गया कि थ्री बॉक्सेस जिनकी कैपेसिटी 24 के जी है, 36 के जी एंड 84 के जी आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ थ्री वराइटीज़ ऑफ वीट ए बी एंड सी, दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये ए सी, अब देखिए इनकी सबसे पहले सोचिए कि हमारे पास तीन बॉक्स हैं, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये बी बॉक्स है, ये सी बॉक्स है, ठीक, ए बी सी नहीं है, एक तीन कंटेनर है, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड कंटेनर है, ठीक, तीन कंटेनर है। अब इसमें जो है ये इनकी कैपेसिटी है 24, 36, 84, अब इनको कम्प्लीटली फिल कर दिया गया है, तो फर्स्ट कंटेनर में टोटल कितने आएंगे, 24 के जी तो आएंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही 24 के जी है, टोटल 24 के जी, अब वो ए से भरा गया है, तो मतलब टाइप ए में जो फर्स्ट कंटेनर उसमें 24 के जी टाइप ए का वीट है, यही हुआ ना। इसी तरह सेकेंड में 36 के जी बी वीट है, टाइप बी वाला वीट, और थर्ड में टाइप सी का 84 के जी वीट है, समझ रहे हैं, ये तो हो गया हमारी पहली लाइन का मतलब। अब नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, ऑल द थ्री बॉक्सेस वर इम्प्टीड एंड द थ्री टाइप्स ऑफ वीट वर मिक्सड वर थ्रोरोली मिक्सड, मतलब ये जो इतना केजी हैं 24, 36, 84 इनको सबको मिक्स कर दिया गया ये थर्ड को
कंटेनर में, जैसे इन सब में इसमें 24 लिए, इसमें 36 लिए, इसमें 84 पूरा खाली करके इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया गया है कि अब हम नहीं बता सकते कि टाइप ए का कितना है, टाइप बी कितना है, मतलब सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम निकाल नहीं सकते अलग। उसके बाद क्या करें, और मिक्सचर को पुट बैक इंटू इन द 3 बॉक्स, मतलब फिर से मिक्सचर जो है उसको वापस पुट कर दिया, तो अब फिर से इसमें वापस 24 kg आएंगे, इसमें वापस 36 kg आएगा, इसमें वापस 84 kg आएगा, आएगा ना फ्रेंड। बस ये जो ये लाइन है सेकंड वाली लाइन, ये बस हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, मिक्सचर में ट्विस्ट करने के लिए नहीं। यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता कि हमारे पास 3 कंटेनर है, उसमें इस रेशियो में क्या कहते हैं हमारे पास चीज़ें हैं, अब पूछ लेता कि हमारा 84 kg में कितना ए का कंटेंट होगा। बस सिंपल सा अगर भाषा में क्वेश्चन करें तो ये बस इतना छोटा सा क्वेश्चन होगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब ये घुमा देता है तो यही लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसीलिए टाइप 4 में है, ठीक है ना फ्रेंड। तो समझिए टाइप 4 लेवल हाई है, तो इसका मतलब क्वेश्चन कुछ दम है, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो आप वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आ रहा थोड़ा ध्यान दीजिए समझ में आ जाएगा। तो इतना तक तो समझ में आएंगे क्योंकि यहाँ पे वापस से 24 kg, लेकिन अब इसमें टाइप ए का 24 kg नहीं है, अब इसमें मिक्स का 24 kg है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी का 24 kg, दैट मीन्स यहाँ पर मगर हम प्लस कर दें ये, अब इसमें इतना है टाइप ए प्लस बी का 24 kg इसमें है, इसी तरह टाइप ए प्लस बी प्लस सी का 36 kg सेकेंड कंटेनर में, और टाइप ए प्लस बी प्लस सी का 84 kg है थर्ड का, ठीक। अकेले ए बी सी नहीं है इसमें, अकेले 84 kg सी का नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों मिक्स है, ठीक। तो यहाँ तक तो हो गया, अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया कि ए का थर्ड कंटेनर, थर्ड बॉक्स मतलब ये वाला है, थर्ड बॉक्स में कितना ए की क्वांटिटी है। तो देखिए अब इसको निकालेंगे कैसे, तो फ्रेंड सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि जो ये फर्स्ट कंटेनर उसमें 24 kg यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको अलग से भी लिख देता हूँ, यहाँ मैंने दोबारा नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि हम मान लेते हैं 3 कंटेनर था, जैसे यहाँ पे देखिए ये मेंशन किया हुआ ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें 24 kg ए का था, 36 kg बी का था एंड 84 kg सी का था, ये सी, ये बी और ये ए का था ना। तो यहीं से इसका हम रेशियो निकाल लेंगे, तो इस रेशियो में हो जाएगा 2:3:7, ठीक। तो इस रेशियो में यहाँ पे हमारा ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो है, दैट मीन्स ये हमारा ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो, ठीक, आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ना। तो ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो टाइप ए टाइप बी टाइप सी का। अब देखिए अगर हमें ये फाइंड करना हो कि इसमें ए का वीट कितना हो, अगर 84 kg हमें वीट दिया हो, आप ये भूल जाइए कि थर्ड बॉक्स में, फोर्थ बॉक्स में, किस बॉक्स में हो, क्योंकि हमें देखिए फाइंड क्या करना है, थर्ड बॉक्स में, थर्ड बॉक्स में कितना गेहूँ है, 84 kg। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि 84 kg ए का है, बी का है, सी का है, यहाँ पे टोटल 84 kg और वो किसी का भी हो सकता है, हो सकता है उसमें ए का कुछ परसेंट हो, बी का कुछ परसेंट हो, या सी का कुछ भी ना हो, या तो हो सकता है तीनों बराबर हो, क्योंकि थोरली मिक्स कर दिया है तो कुछ हम बता नहीं सकते ना। तो इसीलिए तो ये 84 kg हम ले कर चलते हैं कि 84 kg हमारा वीट है, अब उसमें हमें निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा इसका सम इज इक्वल टू 84 kg लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सबको मिक्स करके 84 kg बनाए ना, एक तरीका तो ये, इसका सम इज इक्वल टू इतना करें तो इसका सम कितना है, 12 है, तो इसका सम इज टू एक वेरिएबल के साथ लेंगे, वो मैंने बहुत बार बता दिया, इज टू इसका कर दिया, तो इज टू 1 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ये हाँ सॉरी, ये इज टू 1 की वैल्यू 7। अब हमें फाइंड क्या करना है, टाइप ए को, तो टाइप ए कितना है, इज टू 2, तो दैट मीन्स इज टू 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 14, क्योंकि इज टू 1 की वैल्यू 7, तो 14 यहाँ से भी आ गया। तो एक तरीका तो यहाँ हुआ, ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। और दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने फॉर्मूला हम जानते हैं, एक मेथड जानते नहीं कि अगर इसमें निकालना हो कि 84 kg में कितना टाइप का ए का होगा, हम क्या करते हैं, टाइप ए वाला न्यूमरेटर में लिखो अपॉन में जितना ये रेशियोज हैं इन सब का सम, तो कितना होगा, 7, 3, 10, 2, 12, इनका सम 12 लिखा और ये हो गया इंटू 84 कर दीजिए, यही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी, दैट मीन्स 12 से 7 गया तो 7 × 2 = 14, यही हमारा 14 आंसर होगा। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना, फिर मैंने दो दो बार बहुत अच्छे से समझा दिया, अब कोई डाउट नहीं है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ ड्रम कंटेन 80 लीटर ऑफ इथेनॉल, 20 लीटर ऑफ दिस लिक्विड इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विथ वाटर, 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज अगेन रिमूव एंड रिप्लेस विथ वाटर, हाउ मच वाटर इन लीटर इज प्रेजेंट इन दिस ड्रम नाउ। तो फ्रेंड ये इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो ये होता है कि हमारा क्वांटिटी लेफ्ट अपॉन इनिशियली प्रेजेंट, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा फ्रेंड, इनिशियली प्रेजेंट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1 माइनस
जितना निकाला या ऐड किया गया, जैसे यहाँ पे 20 लीटर निकाला या ऐड किया गया रहेगा वही, तो डैट मीन्स जितना निकाला, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं आपको समझ जाइए, जितना निकाला या ऐड, जितना निकाला गया उतना ही ऐड किया गया रहेगा अपने, तो आप कुछ भी लेके चल सकते हैं। तो जितना निकाला या अपॉन में इनिशियली प्रेजेंट, जो यहाँ इनिशियली प्रेजेंट है ना, यही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक, दिस और इसका पावर एन, और ये एन क्या होता है, ये हमारा होता है कितना टाइम ये प्रोसेस किया गया है निकालने और ऐड करने वाला, नहीं समझ में। चलिए फिर ये क्वांटिटी लेफ्ट, मतलब जो क्वांटिटी होगी, जैसे यहाँ पे देखिए इथेनॉल है, सबसे पहले कुछ चीज़ रहेगा वो फुल भरा रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया कि 80 लीटर इथेनॉल है, फुल है ना इथेनॉल, इसमें कोई मिक्सचर नहीं रहेगा, अगर मिक्सचर रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे फ्रेंड हम, मिक्सचर वाले के लिए दूसरा फॉर्मूला था, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जब हमारा फुल रहेगा तो वही जो इनिशियली प्रेजेंट है यहाँ इथेनॉल, जो क्वांटिटी मतलब वही चीज़, यहाँ पे इथेनॉल लिक्विड कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इनिशियली प्रेजेंट, तो इनिशियली यहाँ पे 80 लीटर हमारा प्रेजेंट है, और क्वांटिटी लेफ्ट, अभी क्वांटिटी लेफ्ट मतलब इथेनॉल कितना बचेगा, हम लास्ट में इससे इस फॉर्मूले से हम यही निकाल सकते हैं कितना बचेगा, हम इन सब का रेशियो भी निकाल सकते हैं कि पहले इतना था अब कितना बचा हुआ है, इसका रेशियो, और यहाँ से सब हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब चलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो कैसे होगा, ये हो जाएगा क्वांटिटी लेफ्ट, तो हमें तो यही फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही देखने देते हैं कि हम इसको मान लेते हैं एक्स क्वांटिटी बच रही है, एक्स लीटर इथेनॉल अब बचा हुआ है, जब ये प्रोसेस करने के बाद 20 लीटर निकालने के बाद और उसमें वाटर 20 लीटर ऐड करने के बाद, दो बार स्टेप ये सारे प्रोसेस करने के बाद अब एक्स लीटर इथेनॉल बचा हुआ है, पहले कितना लीटर था, पहले 80 लीटर था, तो हम लास्ट में लिखते हैं 80 लीटर। ठीक, इज इक्वल टू 1 माइनस कि जितना निकाला या ऐड किया जाए, तो जैसे यहाँ निकाला ऐड किया कितना जा रहा है, 20 लीटर निकाला जा रहा है लिक्विड, तो 20 लीटर वाटर ही ऐड किए, तो यही चीज़। लेकिन एक कंडीशन ये भी जान लीजिए कि ये फॉर्मूला तभी ऐड करेंगे जब जितना निकाला गया उतना ही कोई और चीज़ ऐड किया गया है, जैसे यहाँ 20 लीटर निकाला गया है तो 20 लीटर ही के कहते हैं वाटर ऐड भी तो किया गया, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो उतना ही किया जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 20 लीटर। ठीक, अपॉन में कितना पहले प्रेजेंट था, पहले कितना 80 था ना, तो यही 80 लिख देना है। ठीक, और एक और ट्रिक बताऊं, यहाँ पे जो चीज़ आएगा ना वही चीज़ यहाँ पे भी आएगी, तो बिना आँख मूंद के बस यहाँ एक बार फाइंड कर लेना, तो यही चीज़ उठा के यहाँ पे लिख देना है। ठीक, अब क्या करना है, ये n, n क्या होगा, n यही प्रोसेस कितनी बार किया गया, तो यहाँ पे एक बार निकाला गया फिर दोबारा निकाला गया, मतलब दो बार किया गया नहीं ये प्रोसेस, तो ये 2 लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारे फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 इसका स्क्वायर। ठीक, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, तो ये आ जाएगा x बाई 80 इज इक्वल टू 9/16, और 16 से कटेगा 5 जाएगा, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 45, दैट मीन्स हमारे पास x क्या है, यहाँ पे इथेनॉल है, तो दैट मीन्स इथेनॉल लेफ्ट अभी है, जब इन सारी प्रोसेस करने के बाद हमारे पास 45 लीटर इथेनॉल अभी बचा हुआ है, दैट मीन्स हमारे पास 45 लीटर इथेनॉल अभी बचा हुआ है, और पूछा क्या गया है कि हाउ मच वाटर इन इज प्रेजेंट इन द ड्रम, मतलब हमें पूछा क्या गया, वाटर पूछा गया, हमने निकाल क्या पाया इथेनॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट वाटर भी तो निकाल सकते हैं, हमने इथेनॉल क्यों निकाला, तो फ्रेंड ये जो फॉर्मूला होता है हमारा ऐसे ही होता है, जो इनिशियली प्रेजेंट, यहाँ हमारा इनिशियली टोटल कितना दिया हुआ था, इथेनॉल दिया होता है, शुरू में इथेनॉल पूरा फुल लेता ना, अगर यहाँ वाटर पूरा फुल होता तो हम वाटर के लिए ही निकाल सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या वाटर के लिए भी निकाल सकते, तो हम वाटर के लिए नहीं निकाल सकते, जैसे हमें जो चीज़ पहले दी हो गई रहेगी फुल उसी के लिए निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे मिक्सचर दे देता कि इतना वाटर इतना इथेनॉल का मिक्सचर है उसके बाद ये प्रोसेस रिपीट की गई होती, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करते और ना हम इस तरीके से निकाल भी पाते, हमें बहुत बेसिक मेथड से जाना पड़ता जो बहुत ही लेंथी और ट्रिकी हो जाता, ठीक है ना, इसलिए मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते ही नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन हमारे ऐसे फॉर्मेट में आएंगे। ठीक, और ये टाइप 4 का, इसलिए सबसे ज़्यादा अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी ट्विस्ट करेगा या ज़्यादा घुमाएगा तो यही घुमा सकता है कि यहाँ पे इथेनॉल के बारे में ना पूछ के वाटर के बारे में, इससे ज़्यादा और कुछ ट्विस्ट कर ही नहीं सकता ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, इसलिए आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे हमने इथेनॉल निकाल लिया, मैंने ये भी बता दिया क्योंकि हम क्यों हमने इथेनॉल निकाला, वाटर डायरेक्ट नहीं निकाल पाया क्यों, क्योंकि यह हमारे फॉर्मूले के लिमिटेशन है। तो अब हमारा देखिए इथेनॉल तो निकल गया, अब यहाँ से हम वाटर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो होगी क्यों, पहले हमारे 80 लीटर इथेनॉल था और अब 45 लीटर बचा है, तो मतलब 80 में से 45 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 35 लीटर कुछ और चीज़ हो गया ना, मतलब 80 लीटर इथेनॉल था उसमें 45 लीटर इथेनॉल बचा है अब, तो मतलब जो 35 लीटर और चीज़ कुछ ऐड की गई है, तो और चीज़ क्या है, वाटर है, तो मतलब ये 35 लीटर हमारा वाटर हो जाएगा,
समझ में आया ना, तो यही हमारा आंसर होगा, दैट मीन्स थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आया ना फ्रेंड, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप थर्ड के टोटल क्वेश्चन, टाइप फोर के टोटल क्वेश्चन। तो हमने मिक्सचर के किरण की जो बुक होती है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फ्रेंड, टाइप वन से लेके टाइप फोर तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे या इससे ही रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।